हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम इन टैक्स एग्जांपल 10.4 का सॉल्यूशन करेंगे। न्यूमेरिकल है ये। तो इसका क्वेश्चन है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड करना नेचर, पोजिशन, साइज एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का बात हो रहा था। कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर के इधर रहता है ये F1 रहता है, ये 2F1 होता है, 2F2 होता है, ये F1 होता है, ये F2 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट इधर रहता है लेकिन इमेज जो रहता है ज़्यादा कंडीशन में इस साइड बनते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है जो कि है 2 सेंटीमीटर, जो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये ऊपर के साइड में है तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फिर क्या है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ इमेज जहाँ बनता है इस साइड बनता है, तो इस साइड वाला फोकल लेंथ हम लेंगे, तो ये राइट साइड है, तो राइट साइड का डिस्टेंस जो रहता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, जो यू हमेशा ही निगेटिव लेते हैं हम लोग, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस का केस हो। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, वी निकालना है और एच डैश निकालना है, दो चीज़ निकालना है। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस और इमेज का हाइट। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है वी, तो इसको हम लोग इस साइड लेके जाते हैं, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f + 1/u। तो 1/f यानी कि 1/10 माइनस 1/15। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे आएगा 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1/30 इक्वल टू 1/v। तो ये आ गया, तो वी का वैल्यू क्या आया, +30 सेंटीमीटर। वी का वैल्यू क्या आ गया, +30 सेंटीमीटर। प्लस यानी कि वी कहाँ बन रहा है, राइट साइड में, इमेज कहाँ बन रहा है, राइट साइड में, इसलिए ये डिस्टेंस जो है पॉजिटिव आया। ठीक है, अब निकालना है एच डैश। एच डैश निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, एक होता है एच डैश अपॉन एच और एक होता है वी अपॉन यू लेंस के केस में, और मिरर के केस में -v/u। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसको यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग के पास मैग्निफिकेशन तो है नहीं, तो हम लोग ये दोनों रिलेशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो एच डैश हम लोग को फाइंड करना है, v/v u × h को ऊपर लेके गए। ठीक है, तो एच डैश कैसे निकलेगा, v हम लोग का है 30, ये है -15 और ये है 2, ये हो गया 2, तो हम लोग का आया -4। तो ये आ गया इमेज का हाइट जो कि माइनस में है, इसका मतलब क्या है, हाइट जो है वो ऐसे है नीचे, इसलिए ये निगेटिव आया। ठीक है, इमेज का है नीचे के साइड बन रहा है। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में ज़्यादातर केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर के उस साइड बन रहा है, इसलिए वो रियल इन्वर्टेड इमेज होता है। तो इसमें नेचर तो रियल इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, साइज पता चल गया हम लोग को, इमेज का डिस्टेंस पता चल गया, मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, तो एच डैश है -4, एच है 2, तो ये आ गया 2। ठीक है, तो देखो नेगेटिव साइन जो है मैग्नीफिकेशन में वो रिप्रेजेंट करता है कि इमेज जो है रियल है। ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड ये तो हम लोग को पहले से ही पता चल गया, और मैग्नीफिकेशन निकल गया -2, तो सब चीज़ निकल गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको अच्छे से कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।